स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अनदर लेक्चर। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने क्वेश्चंस किए थे और मैंने पूछा था कि एलिमिनेशन रिएक्शन डिस्कस करना है या नहीं करना है। तो बहुत सारे मैसेज मुझे व्हाट्सएप पे आए, मैसेंजर पे आए, और कुछ लोगों ने यूट्यूब के चैनल पे भी लिख कर बताया कि सर एलिमिनेशन रिएक्शन की वीडियो बनाइए। और मैंने जैसे 15 बोला था तो 20 के आसपास आए थे कमेंट्स, शायद मैंने लास्ट टाइम जब चेक किया था। तो इस वजह से मैंने एलिमिनेशन रिएक्शन डिस्कस करूँगा, लेकिन ये पार्ट वाइज पढ़ाऊँगा मैं छोटे छोटे लेक्चर्स में, ताकि आपको समझने में आसानी हो जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज हम लोग एलिमिनेशन रिएक्शन। तो देखिए, एलिमिनेशन रिएक्शन में नाम जो है इसमें एलिमिनेशन मतलब एलिमिनेट करना, मतलब क्या होगा, किसी चीज़ को हटाना। तो नॉर्मल तरीके से हम लोग देखें अगर यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि ये ए हट रहा है और ये बी हट रहा है, अलग हो गया, और यहाँ से ये मॉलिक्यूल बन गया, अलग हो गया। तो यहाँ क्या दिख रहा है कि सिर्फ और सिर्फ हटने का काम हो रहा है, इस पर ना तो कुछ आके जुड़ रहा है। अगर कुछ जुड़ता आके इस पर तो हम लोग एडिशन वाला कुछ सोच सकते थे। इसके बदले में कुछ आ रहा है क्या? ए और बी के बदले में कुछ नहीं आ रहा है, मतलब सिर्फ और सिर्फ इसको हटाया जा रहा है। इस वजह से नाम क्या रखा है हम लोगों ने, एलिमिनेशन रिएक्शन। दूसरे तरीके से, इस तरीके से हम लोग देख सकते हैं इसको कि एक बड़े से मॉलिक्यूल से क्या किया जा रहा है, एक छोटा मॉलिक्यूल अलग किया जा रहा है। मतलब आपके में क्या हो रहा है कि पहले आपके पास एक मॉलिक्यूल था, उस मॉलिक्यूल से एक छोटा सा मॉलिक्यूल अलग कर लिया गया और एक मॉलिक्यूल एक्स्ट्रा रह गया। मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है, एलिमिनेशन हो रहा है। खैर, ये सब तो सिंपल तरीके से याद रखने की बातें हैं कि ऐसे इस तरीके से एलिमिनेशन दिखता है। एक्चुअल कॉन्सेप्ट पे अगर हम लोग आएँ कि एलिमिनेशन में होता क्या है, तो आइए हम लोग देखते हैं उसको, समझने की कोशिश करते हैं कि एलिमिनेशन रिएक्शन में क्या होता है। तो यहाँ पर अगर आप लोग ध्यान से देखें तो क्या हो रहा है कि एक सिग्मा बॉन्ड यहाँ है और एक सिग्मा बॉन्ड यहाँ है, मतलब दो सिग्मा बॉन्ड जो हैं वो टूट रहे हैं, और यहाँ जो है एक सिग्मा बन रहा है और एक पाई बॉन्ड बन रहा है। एक क्या बन रहा है, पाई बॉन्ड बन रहा है, मतलब दो सिग्मा टूट रहे हैं और एक सिग्मा और एक पाई बन रहा है। अब आपसे एक मेरा छोटा सा सवाल है कि बताइए भाई, सिग्मा और पाई में ज़्यादा स्टेबल बॉन्ड्स कौन होते हैं, किसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है? तो आपके दिमाग में तुरंत क्या आना चाहिए, केमिकल बॉन्डिंग। केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ा था ना हम लोगों ने, केमिकल बॉन्डिंग में क्या सीखा था कि अगर लीनियर ओवरलैपिंग होती है तो वहाँ से जो बॉन्ड बनता है वो कौन सा था, सिग्मा बॉन्ड, और अगर पैरेलल या फिर साइडवेज ओवरलैपिंग होती है तो यहाँ से जो बॉन्ड बनता है वो कौन सा बॉन्ड बनता था, बताइए जी, यहाँ से जो बनता है ये कौन सा बॉन्ड बनता है, पाई बॉन्ड। अब लीनियर और पैरेलल ओवरलैपिंग में या साइडवेज ओवरलैपिंग में हम लोग जानते हैं कि इसका एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग अच्छा होता है, रिपल्सन कम होता है, जिसकी वजह से इसका स्ट्रेंथ ज़्यादा होता है। जबकि इसमें क्या होता है, एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग बहुत कम होता है और जो रिपल्सन है वो रिपल्सन भी बहुत ज़्यादा होता है। इस वजह से हम लोग क्या सीखे थे वहाँ पर कि सिग्मा का बॉन्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा होता है किससे, पाई से। सिग्मा की स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है किससे, पाई से। तो बस इसका यहाँ पर यूज़ करके हम लोग चीज़ों को समझेंगे। तो अगर वापस से मैं बताऊँ कि क्या हुआ था कि भाई दो सिग्मा टूटे और एक सिग्मा और एक पाई का फॉर्मेशन हुआ, मतलब कि भाई मोर स्टेबल बॉन्ड, सिग्मा मोर स्टेबल होता है, मोर स्टेबल बॉन्ड टूट रहा है और लेस स्टेबल बॉन्ड बन रहा है, लेस स्टेबल बॉन्ड बन रहा है। क्योंकि एक सिग्मा तो चलो ठीक है, बात चगम हो गया, लेकिन एक सिग्मा के बदले क्या हो रहा है, एक पाई बन रहा है, मतलब मोर स्टेबल से लेस स्टेबल बॉन्ड्स बन रहे हैं। अब बताइए, मैंने हमेशा क्या सिखाया आपको कि जब भी मोर स्टेबल से लेस स्टेबल बॉन्ड बनते हैं तो एनर्जी क्या होती है, एनर्जी रिलीज होती है, एब्जॉर्ब होती है, बताइए, मोर से लेस तो एनर्जी क्या होती है, एब्जॉर्ब होती है, एनर्जी क्या होगी, एब्जॉर्ब। और एनर्जी जब एब्जॉर्ब होती है तो बताइए क्या होगा, डेल्टा एच पॉजिटिव या नेगेटिव, एनर्जी एब्जॉर्ब होगी तो रिएक्शन कैसा, रिएक्शन का नेचर एंडोथर्मिक, और रिएक्शन का नेचर जब एंडोथर्मिक होगा तो डेल्टा एच कैसा होगा, पॉजिटिव। आई होप आपको याद होगा। तो यहाँ से क्या पता चल गया हम लोगों को, इस रिएक्शन से देखकर ये बात पता चली कि अगर एलिमिनेशन रिएक्शन हो रहा है तो उसमें क्या होगा, डेल्टा एच क्या होगा, पॉजिटिव होगा। पहली चीज़ ये समझ में आ गई हम लोगों को कि भाई लेस स्टेबल से मोर स्टेबल बॉन्ड बन रहे हैं तो एनर्जी क्या होगी, एब्जॉर्ब, एनर्जी एब्जॉर्ब होने की वजह से डेल्टा एच क्या होगा, पॉजिटिव। अब अगर हम लोग दूसरी चीज़ देखें कि भाई पहले नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स
एक थे, अब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या हैं, दो हैं। तो बताइए रैंडमनेस जो है वो इंक्रीज हुई, रैंडमनेस क्या हो गई, इंक्रीज। और हम लोग जानते हैं कि अगर रैंडमनेस इंक्रीज होगी तो एंट्रोपी भी सिस्टम की क्या होगी, इंक्रीज होगी। तो रैंडमनेस बढ़ने की वजह से एंट्रोपी भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज होगी। इस वजह से डेल्टा एस क्या होगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो हम लोगों को दो चीज़ें पता चल गई कि डेल्टा एच पॉजिटिव होता है और डेल्टा एस भी पॉजिटिव होता है बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन रैंडमनेस। अब हम लोग पढ़ते हैं अकॉर्डिंग टू गिब्स फ्री एनर्जी कि डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। और अगर हम लोग उसमें देखते हैं रिएक्शन को हम लोग कराना है, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन करवाना है, तो स्पॉन्टेनियस रिएक्शन कराने में डेल्टा एच पॉजिटिव हो, डेल्टा एस पॉजिटिव हो, तो हम लोग को टेम्परेचर कैसा होना चाहिए, तो टेम्परेचर शुड बी हाई। ये आपने थर्मोडाइनेमिक्स में पढ़ा है। तो हम लोगों को यहाँ से क्या पता चल गया कि अगर डेल्टा एच पॉजिटिव है, डेल्टा एस पॉजिटिव है, और अगर मुझे रिएक्शन कैसे करानी है, स्पॉन्टेनियस करानी है, तो आपको क्या करना होगा, आपको टेम्परेचर कैसा लेना पड़ेगा, हाई टेम्परेचर, मतलब टेम्परेचर देनी पड़ेगी और वो भी बहुत ज़्यादा। इस वजह से आप हमेशा एलिमिनेशन रिएक्शन में देखेंगे कि एरो पे हीट का सिंबल बना होगा या टेम्परेचर मेंशन किया होगा, मतलब वो कौन सी रिएक्शन होगी, वो रिएक्शन होगी एलिमिनेशन, जिसमें क्या होगा, एक छोटा मॉलिक्यूल बाहर निकलेगा, किससे, एक बड़े से मॉलिक्यूल से। या फिर ऐसे भी याद रख सकते हैं, सिग्मा बॉन्ड्स ब्रेक होंगे और पाई बॉन्ड्स का फॉर्मेशन हो जाएगा। आई होप आपको ये छोटी सी बात समझ में आ गई होगी। अब आगे हम लोग डिस्कस करें तो एलिमिनेशन जो है वो 1-2 एलिमिनेशन या अल्फा बीटा एलिमिनेशन हम लोगों के सिलेबस में है। तो आज जो हम लोग डिस्कस करेंगे वो सबसे पहला केस डिस्कस कर रहे हैं हम लोग, इवन एलिमिनेशन। अब एलिमिनेशन रिएक्शन में आपको इवन ई टू इवन सी बी तीन पढ़ने हैं, जबकि हम लोगों ने सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में दो पढ़ा था, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में एक SN1 और एक SN2। तो बहुत कुछ सिमिलर होता है E1 का और SN1 का और E2 और SN2 का। तो जिसने भी SN1 और SN2 का लेक्चर ध्यान से सुना होगा, ध्यान से उसको रिवाइज किया होगा, तो उसको E1 समझने में कोई दिक्कत नहीं आने वाली, वो आसानी से इसको समझ सकता है। तो जिसने भी अगर वो लेक्चर नहीं देखा है अभी तक, तो पहले SN1 SN2 के लेक्चर ज़रूर देखें ताकि आपको यहाँ समझने में बहुत आसानी हो जाए। आपको दिखने में लगेगा कि ये तो सब कुछ वैसा ही हो रहा है, बस एक जगह थोड़ा सा चेंज आ गया, क्योंकि हम लोग एलिमिनेशन में क्या करवाते हैं, हीट प्रोवाइड करवाते हैं, क्योंकि उस एलिमिनेशन रिएक्शन अगर कराना है तो टेम्परेचर शुड बी हाई, टेम्परेचर को हाई लेना ही पड़ेगा, अदरवाइज एलिमिनेशन पॉसिबल नहीं है। अब अगर हम लोग आए तो यहाँ देखिए, मैंने एक छोटा सा रिएक्शन देखा है कि ये जो है आपका 3 डिग्री हैलाइड है, या 3 डिग्री हैलाइड है, और इसमें हम लोगों ने H2O लिया है। क्या लिया है, H2O। H2O बताइए कैसा होता है, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट होता है। ये कैसा है, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। और हम लोग जानते हैं कि ये जो है ये वीक बेस की तरह भी काम करता है, H2O कैसा है, वीक बेस है, तो इसको पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट ही क्या है, वीक बेस है, या न्यूक्लियोफाइल भी हम लोग बोलते हैं इसको। अब होता क्या है यहाँ पर कि एलिमिनेशन में क्या होता है कि भाई ये Cl हटा दो और डबल बॉन्ड लगा दो, तो यहाँ पर दो तरह के प्रोडक्ट आपको बनते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि यहाँ से Cl हटाया तो या तो यहाँ डबल बॉन्ड आएगा, या तो यहाँ डबल बॉन्ड आएगा, और या तो यहाँ डबल बॉन्ड आएगा। तो खैर एक प्रोडक्ट आप देखिए, फिर मैं चर्चा करूँगा कि वो कैसे बना। तो आपको क्या दिखेगा, एल्कीन बनता हुआ दिखेगा, और ये दो तरीके का एल्कीन बनेगा। एक केस में क्या होगा, यहाँ पर डबल बॉन्ड आएगा, और एक केस में यहाँ पर डबल बॉन्ड आएगा। तो स्टेबिलिटी कैसे पता करेंगे, तो हम लोग यहाँ पर एल्कीन की स्टेबिलिटी चेक कर रहे हैं अल्फ़ा हाइड्रोजन से। इस केस में अल्फ़ा एच कितने हैं, 9 है, दिख सकता है आपको यहाँ पे 3, 3 और 3, 9 अल्फ़ा हाइड्रोजन है, जबकि इस केस में क्या है, 3 और 2, 5 अल्फ़ा हाइड्रोजन है। तो हम लोग क्या बोलेंगे, ये मोर स्टेबल है, जबकि ये नीचे वाला क्या है, लेस स्टेबल है। तो जो मोर स्टेबल होगा उसको हम लोग बोलेंगे सेटजिफ प्रोडक्ट, और जो लेस स्टेबल प्रोडक्ट होगा उसको हम लोग बोलेंगे हॉफमैन प्रोडक्ट। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो जो ज़्यादा कौन बनेगा, वो डिपेंड करेगा स्टेबिलिटी पे, जो ज़्यादा स्टेबल होगा वो ज़्यादा बनेगा। अब हम लोग अगर आगे बात करें, चलिए देखते हैं मैकेनिज्म पे, कि अभी तो डायरेक्ट देख लिया कि भाई हाँ सर ठीक है समझ में आ गया, और यहाँ टेम्परेचर लिया था तो क्या होगा, एलिमिनेशन करवाएंगे, और एलिमिनेशन करवाएंगे तो क्या होगा, अल्कीन का फॉर्मेशन हो रहा है, अल्कीन का फॉर्मेशन हो रहा है, मतलब पाई बॉन्ड बन रहा है।
और यहाँ पर दो तरह के बनेंगे। अब कैसे दो तरह के बनेंगे यही समझना है हम लोगों को मैकेनिज्म से। तो आइए हम लोग मैकेनिज्म की तरफ चलते हैं। तो इसका मैकेनिज्म जो है बिल्कुल सेम होता है फर्स्ट स्टेप SN1 की तरह। बताइए SN1 में क्या होता था। अगर आपको SN1 में मान लेते हैं टेम्परेचर नहीं देते वहाँ पर, बैक वापस जाते हैं, मान लेते हैं आपको यहाँ पर मैं टेम्परेचर नहीं देता कुछ भी, तो आप क्या करते हैं? तब तो आप SN1 कराते ना, आपके दिमाग में तो SN1 घूम रहा होता कि सर पहले इस Cl को हटाएंगे और इसके बदले क्या जोड़ देंगे, OH लगा देंगे। यही दिमाग में आना चाहिए था ना आपके। लेकिन चूंकि यहाँ पर हीट दिया है, इस हीट की वजह से Cl हटेगा तो ज़रूर, लेकिन उसके बदले OH नहीं जुड़ेगा। रिएक्शन का नेचर क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है बिकॉज ऑफ टेम्परेचर। इस वजह से आपको SN1 याद होगा तो ये सब समझने में बहुत आसान हो जाएगा। तो देखिए हम लोग क्या करते हैं, फर्स्ट स्टेप में तो SN1 की तरह ही होगा, एग्जैक्ट SN1 जैसा होता है। तो क्या होगा, पहले स्टेप में क्या होगा, ये Cl टूटेगा तो क्या बनेगा, कार्बोकेटायन। क्या बन गया, कार्बोकेटायन बन गया। जहाँ से Cl निकला उस कार्बन पे क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ से क्या निकल गया, Cl नेगेटिव। अगर आपको याद होगा तो ये स्टेप सेम है कि नहीं SN1 जैसा है, बिल्कुल सेम है, एग्जैक्ट सेम है। हम लोग क्या करते थे, पहले लिविंग ग्रुप को सेपरेट करते थे। क्यों सेपरेट किया, ये रिएक्शन क्यों हुआ, क्योंकि आपके पास जो H2O है ये कैसा है, ये वीक है, और जब वीक होता है वो अटैक तो करेगा नहीं, और जब अटैक नहीं करेगा तो क्या होगा, पहले लिविंग ग्रुप सेपरेट होगा। बताया था ना कि जब स्ट्रांग होगा तभी ना आप अटैक करेंगे, वीक अटैक करता है क्या, बिल्कुल नहीं। तो अटैक अगर नहीं करेगा तो ये क्या करेगा, इंतज़ार करेगा इन दोनों के बॉन्ड के ब्रेक होने का। तो जब जैसे ही क्या होगा, वीक होगा यहाँ पर बेस, वीक न्यूक्लियोफाइल होने की वजह से ये क्या होगा, टूटेगा पहले। तो टूटेगा तो पहले तो क्या बनाएगा, टूटने पर क्या बनाएगा, कार्बोकेटायन। मतलब यहाँ से क्या बना, कार्बोकेटायन। और बताइए मैंने क्या बताया था कि जब भी कार्बोकेटायन बनता है तो हम लोग क्या चेक करते हैं, रीअरेंजमेंट की पॉसिबिलिटी। लेकिन क्या यहाँ पर कोई रीअरेंजमेंट की पॉसिबिलिटी है, नहीं है, तो हम लोग को रिजमेंट कराने की ज़रूरत नहीं है। अब दूसरे स्टेप में क्या होता था SN1 में, कि H2O जो था, H2O के पास से ऑक्सीजन के पास क्या था, लोन पेयर, ये इस पर अटैक कर देता था और जाकर जुड़ जाता था कौन, OH, H प्लस बाहर निकल जाता था। लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पर क्या दिया हुआ है, आपके पास हीट प्रोवाइडेड है, इस वजह से क्या होगा, ऐसा पॉसिबल नहीं है। अब आपके पास यहाँ पर कौन है, H2O है, HOH है, तो ये HOH क्या करेगा, यहाँ से H प्लस को निकाल लेगा। किसको निकाल लेगा, H प्लस को। मतलब ये वीक बेस की तरह काम कर रहा है, और बेस का काम क्या होता है, H प्लस एब्स्ट्रैक्ट करना। अब ये क्या करेगा, H प्लस जब एब्स्ट्रैक्ट करेगा तो यहाँ से इस कार्बन से भी H प्लस निकाल सकता है, इस कार्बन से भी H प्लस निकाल सकता है, और इस कार्बन से भी H प्लस निकाल सकता है। तो बताइए, इससे भी निकाल सकता है और इससे भी निकाल सकता है और इससे भी निकाल सकता है, तो प्रोडक्ट अलग अलग बनेंगे कि नहीं। अब इस वाले कार्बन से हाइड्रोजन निकले या इस वाले कार्बन से हाइड्रोजन निकले, तो एक बार डबल बॉन्ड यहाँ आएगा, यहाँ से निकाला तो यहाँ आएगा। तो बताइए इसमें और इसमें कोई फर्क है क्या, दोनों तो सेम जैसे हैं। तो यहाँ से निकाले हम लोग हाइड्रोजन या यहाँ से निकाले, बात बराबर है। तो क्या होगा, जैसे ही यहाँ से H निकलेगा, H प्लस निकलेगा, प्रोटोन निकलेगा, किसके प्रेजेंस में, H2O के प्रेजेंस में, बेस के प्रेजेंस में, तो क्या होगा, यहाँ इस पर कौन सा चार्ज आएगा कार्बन पे, नेगेटिव, और ये नेगेटिव यहाँ आ जाएगा, तो इन दोनों के बीच क्या बन जाएगा, पाई बॉन्ड। तो देखिए यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, पाई बॉन्ड बनता दिख रहा है। अब क्या हो सकता है कि भाई यहाँ से H निकल जाए, H प्लस निकल जाए, तो क्या होगा, इन दोनों के बीच बॉन्ड बनेगा। क्यों, क्योंकि जब यहाँ से आप निकालेंगे H प्लस तो इस पर क्या आएगा, नेगेटिव, और ये यहाँ जब आएगा तो इन दोनों के बीच क्या बन जाएगा, डबल बॉन्ड, मतलब पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। तो दूसरे केस में देखिए क्या लिखा है मैंने, दूसरे केस में यहाँ डबल बॉन्ड बन रहा है। तो यहाँ से कितने केसेस पॉसिबल हैं, दो केसेस पॉसिबल हो गए। एक बन गया आपका ये, जब कहाँ से H प्लस निकाला, यहाँ से या यहाँ से, तो सेम जैसा आएगा, नॉमिनक्लेचर सेम आएगा एल्कीन का, आप ट्राई कर सकते हैं बनाकर। या फिर अगर यहाँ से H प्लस निकाल रहे हैं आप, यहाँ से H प्लस निकाला तो इन दोनों के बीच डबल बॉन्ड आएगा, तो क्या हो गया, यहाँ डबल बॉन्ड आ गया। तो कितने प्रोडक्ट बने, दो प्रोडक्ट बने। अब मेजर कौन, मतलब ज़्यादा कौन बनेगा, और माइनर कौन, कम कौन बनेगा, तो बताइए ये क्या है आपका, ये मेजर हो गया, कैसे, अल्फा एच के अकॉर्डिंग। आप अल्फा एच गिने, यहाँ पर अल्फा एच अगर आप गिनेंगे तो कितना हो जाएगा, तीन तीन और तीन, कितने हो गए, नौ। जबकि यहाँ पर अल्फा एच अगर आप गिनेंगे तो कितने हो जाएंगे, तीन और दो पाँच। तो बताइए ये क्या बनेगा, ज़्यादा, और ये क्या बनेगा, कम। आई होप आपको समझ में आएगा। मैं वापस से डिस्कस करता हूँ एक बार, पहले स्टेप में क्या हुआ, कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन जस्ट लाइक SN1।
सेकेंड स्टेप में क्या हुआ कि न्यूक्लियोफाइल अटैक नहीं कर रहा है यहाँ पर, वो न्यूक्लियोफाइल क्या बन गया, बेस की तरह बिहेव कर रहा है, क्योंकि हम लोगों ने क्या देखा है, हाई टेम्परेचर, और बेस का काम क्या होता है, एच प्लस निकालना। तो वो क्या करेगा, यहाँ से या यहाँ से क्या करेगा, एच प्लस निकालेगा, क्योंकि इस पर क्या है, चार्ज पॉजिटिव, इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो या तो ये इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करेगा, या तो ये करेगा, या तो ये करेगा, तो क्या हो जाएगा, एल्कीन का फॉर्मेशन हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब इसी में एक चीज़ और है कि अगर अल्फ़ा और बीटा की बात करें, तो देखिए ये क्लोरीन के जस्ट बगल वाला कार्बन क्या होगा, अल्फ़ा, और ये कार्बन क्या होगा, बीटा, ये कार्बन भी क्या होगा, बीटा, और ये कार्बन भी क्या होगा, बीटा। तो चूँकि सॉरी चूँकि यहाँ पर क्या हो रहा है, बीटा कार्बन से हाइड्रोजन निकाल रहे हैं हम लोग, इसलिए इसको हम लोग बीटा एलिमिनेशन के नाम से भी जानते हैं। हम लोग क्या बोलते हैं इसको, बीटा एलिमिनेशन के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि हाइड्रोजन कहाँ से निकाल रहे हैं, यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से, और ये कैसा है, बीटा हाइड्रोजन है, इसलिए हम लोग क्या बोलते हैं इसको, बीटा एलिमिनेशन। या फिर हम लोग इसको एक और नाम देते हैं, डीहाइड्रो हेलोजिनेशन, इस रिएक्शन को जिसमें हेलोजन का डिस्कस किया हम लोगों ने, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, डीहाइड्रो हेलोजिनेशन। क्यों, क्योंकि क्या क्या निकाल रहे हैं, डी मतलब क्या होता है, निकालना, क्या निकाल रहे हैं, तो हाइड्रो मतलब हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन निकाल रहे हैं ना, यहाँ से, यहाँ से, या यहाँ से, और क्या निकाल रहे हैं, हेलोजन, देखिए यहाँ हेलोजन निकाला ना, इस वजह से क्या हो रहा है, इसका नाम डीहाइड्रो हेलोजिनेशन। अगर सोचिए यहाँ पर Cl की जगह क्या होता, OH होता, तो यहाँ से क्या निकलता, OH, और यहाँ से क्या निकलता, H, तो क्या निकला, वाटर, तो हम लोग उसको बोलते हैं डीहाइड्रेशन। तो हम लोग जानते भी हैं कि जब पानी की कमी होती है तो क्या बोलते हैं उसको, डिहाइड्रेशन। तो यहाँ पर रिएक्शन को क्या बोल सकते हैं हम लोग, किसमें क्या हो रहा है, डीहाइड्रो हेलोजिनेशन। डी मतलब निकलना, कौन निकला, हाइड्रोजन, और कौन निकला, हेलोजन, इसलिए नाम क्या हो जाएगा, डीहाइड्रो हेलोजिनेशन। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर हम लोग कैरेक्टरिस्टिक की बात करें, तो कैरेक्टरिस्टिक सब कुछ किसकी तरह होगा, SN1 जैसा। SN1 हम लोगों को अच्छी तरीके से याद होगा तो बहुत बेहतर है। यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि ये RDS होगा, क्यों होगा ये पता है, क्योंकि यहाँ पे बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, और बॉन्ड ब्रेक हो रहा है तो एक कैटायन बन रहा है, एक एनायन बन रहा है, तो ये रिएक्शन बहुत स्लो होगा, तो इसलिए जो स्लो स्टेप होता है वो कैसा होता है, RDS होता है। अब इसी पर डिपेंड करेगा रेट, तो हम लोग क्या ले सकते हैं कि रेट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सबस्ट्रेट, जो सबस्ट्रेट है उसके कंसंट्रेशन पर डिपेंड करेगा। तो बताइए इस पे क्या है, 1, तो क्या बोलेंगे, ऑर्डर कितना है, 1। इस वजह से हम लोग इसको क्या बोलते हैं, E1 बोलते हैं, मतलब ये यूनिमोलिकुलर एलिमिनेशन रिएक्शन है, सिर्फ और सिर्फ किस पर डिपेंड करता है, सबस्ट्रेट पे। और क्या देखा हम लोगों ने, हम लोगों ने देखा कि किसका फॉर्मेशन हो रहा है, फ्री कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन हो रहा है, मतलब रेट जो है वो डिपेंड किस पे करेगा, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन पे। जितना कार्बोकैटायन ज़्यादा स्टेबल होगा, उतना रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। रिएक्टिविटी ऑर्डर की बात करें, तो बताइए कार्बोकैटायन ज़्यादा स्टेबल किसको होता है, 3 डिग्री का, फिर 2 डिग्री का, और फिर 1 डिग्री का। तो रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या हो जाएगा, 3 डिग्री, 2 डिग्री, एंड देन 1 डिग्री। क्या इसमें रिएजमेंट कराएंगे, जी बिल्कुल कराएंगे, अगर पॉसिबल होगा तो कराएंगे, पॉसिबल नहीं होगा तो नहीं कराएंगे। तो इस तरीके से हम लोग क्या लिखेंगे, रिएजमेंट डू अकर, मतलब रिएजमेंट भी पॉसिबल है। क्या रेट जो है वो डिपेंड करेगा कंसंट्रेशन और स्ट्रेंथ ऑफ बेस पे, तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि हम लोगों ने क्या देखा, देखिए यहाँ पे कि RDS स्टेप में सिर्फ डिपेंड किस पे कर रहा है, सबस्ट्रेट पे। क्या बेस पे डिपेंड किया, नहीं, बेस पे डिपेंड नहीं कर रहा है। तो अगर यहाँ पर क्या है, सिर्फ और सिर्फ किस पे डिपेंड कर रहा है, कार्बोकैटायन पे, ये जो कार्बोकैटायन बना इस पे, और ये जो सबस्ट्रेट बना इस पे, और किसी पर डिपेंड रिएक्टिविटी नहीं करेगी। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि बेस जो है वो इंडिपेंडेंट है किसके, रेट ऑफ रिएक्शन के। उसके बाद क्या हम लोगों ने देखा कि सॉल्वेंट कैसा होना चाहिए, पोलर सॉल्वेंट होना चाहिए। क्यों पोलर सॉल्वेंट क्यों होना चाहिए, क्योंकि आयंस फॉर्मड हो रहे हैं, और आयंस क्या हो जाएंगे, सॉल्वेट। एक क्या बन रहा था, कार्बोकैटायन, और दूसरा क्या निकल रहा था, लिविंग ग्रुप, एक कैटायन, एक एनायन। और हम लोग जानते हैं, मैंने पढ़ाया था ना सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में, कि पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट का क्या काम है और पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट का क्या काम है। तो यहाँ पर पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट लेने से क्या हो जाएगा, ये पूरा का पूरा घुल जाएगा और रिएक्शन के रेट को आगे बढ़ाएगा। इस रिएक्शन की कोई स्पेसिफिक स्टीरियोकेमिस्ट्री नहीं होती है। किस पे फेवर्ड होता है, हाई टेम्परेचर पे, और क्यों होता है फेवर्ड हाई टेम्परेचर पे, ये मैंने आपको बता दिया स्टार्टिंग में ही, क्योंकि डेल्टा एच क्या होता है, पॉजिटिव, डेल्टा एस भी क्या होता है, पॉजिटिव। अकॉर्डिंग टू गिब्स फ्री एनर्जी, अगर हम लोगों को रिएक्शन स्पॉन्टेनियस चाहिए तो टेम्परेचर शुड बी हाई। अब चूंकि हम लोग ये पढ़ रहे हैं हेलोअल्केन्स एंड हेलोरीन्स में, तो आपको इसमें जेई में क्वेश्चन, मैं वापस रिपीट कर रहा हूँ, जेई में आपको मेडिकल में कभी भी
टेम्परेचर पे बेस्ड क्वेश्चन नहीं आएंगे, आपको डायरेक्ट लो टेम्परेचर या हाई टेम्परेचर लिख के देगा, ऐसे वैल्यूज़ लिख के नहीं देगा। लेकिन एडवांस में क्वेश्चंस आते हैं वैल्यूज़ पे बेस्ड, इस वजह से यहाँ पे मैं डिस्कस कर रहा हूँ कि हैलोजन के केस में अगर आपको ध्यान रखना है तो दो टेम्परेचर याद रखना पड़ेगा जो मैंने लिखा है। हम लोगों ने अभी पीछे देखा कि टेम्परेचर ज़्यादा होने पर क्या होता है, एलिमिनेशन होता है, एलिमिनेशन हो रहा था E1, और टेम्परेचर कम होने पर क्या होगा, SN1। तो आपको ये बात यहाँ पर याद रखनी पड़ेगी कि अगर कम टेम्परेचर है तो हम लोग क्या कराएंगे, SN1, और अगर ज़्यादा टेम्परेचर है तो क्या कराएंगे, E1, क्योंकि एलिमिनेशन तभी पॉसिबल है जब टेम्परेचर क्या हो, हाई हो। अगर टेम्परेचर लो है तो उस केस में एलिमिनेशन ना होके क्या हो जाएगी, सब्स्टिट्यूशन, क्योंकि दोनों में बहुत ज़्यादा सिमिलरिटी है। आपने देखा ना पहला स्टेप क्या था, सेम, बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक भी क्या है, सेम। पोलर प्रोटिक E1 में भी होता है, SN1 में भी होता है, E1 में भी कार्बोकैटायन बनता है, SN1 में भी कार्बोकैटायन बनता है, उसमें भी रीअरेंजमेंट कराते हैं, इसमें भी रीअरेंजमेंट कराते हैं, तो बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक क्या है, सेम है। इस वजह से आपको क्या है, फैक्टर क्या है यहाँ पर डिफरेंट, फैक्टर है टेम्परेचर। तो आपको दोनों रिएक्शन में अगर डिफरेंशिएट करना है तो कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, किस में E1 होगा और किस में SN1 होगा, तो क्या होना चाहिए, वीक बेस या वीक न्यूक्लियोफाइल। तो SN1 भी हो सकता है, E1 भी हो सकता है। अब SN1 होगा या E1 होगा कैसे पता चलेगा, तो डिपेंड करेगा टेम्परेचर पे, लो टेम्परेचर SN1, हाई टेम्परेचर E1। आई होप आप मेरी बात समझ गए होंगे। तो यहाँ पर क्या लिखा मैंने कि अगर हाई टेम्परेचर होगा तो क्या होगा, E1, और लो टेम्परेचर होगा तो SN1। वैल्यूज़ याद रखें JEE के पॉइंट ऑफ व्यू से कि अगर 50 डिग्री या 50 डिग्री से ज़्यादा टेम्परेचर होगा तभी क्या कराएंगे हम लोग, एलिमिनेशन कराएंगे, और 25 डिग्री या 25 डिग्री से कम होगा तो हम लोग क्या कराएंगे, SN1 कराएंगे। ये एकदम आप याद रखें JEE के पॉइंट ऑफ व्यू से, मेडिकल वालों को याद रखने की ज़रूरत नहीं है, वो लो और हाई से काम चला सकते हैं। चलिए इस पे कुछ क्वेश्चन करते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए कि किस तरीके से आप क्वेश्चन में समझेंगे कि SN1 होगा या E1 होगा, मतलब हम लोग सब्स्टिट्यूशन कराएं या एलिमिनेशन कराएं। तो चलिए पहले क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन है, यहाँ आपको दिख रहा है कि ये आपको एक मॉल सब्सट्रेट दिया हुआ है और इस पे एक रिएजेंट है जो 10 डिग्री सेल्सियस पे काम कर रहा है। तो बताइए ये pH कैसा है, स्ट्रॉन्ग या वीक। तो ये कैसा है, वीक है। मैंने बताया था ना कि जिस पे भी आपके पास नेगेटिव चार्ज होगा वो स्ट्रांग होगा, जिस पे लोन पेयर होंगे वो क्या होंगे, वीक होंगे। जनरली मैंने ऐसा ही आपको बताया है चेक करने के लिए। तो बताइए यहाँ पर क्या है, इसके पास लोन पेयर, तो ये कैसा है, वीक बेस या वीक न्यूक्लियोफाइल हो सकता है। अब डिपेंड करेगा किस पे, टेम्परेचर पे। टेम्परेचर कितना है, 10 डिग्री। बताइए जब 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है तो रिएक्शन का नेचर कैसा होगा, रिएक्शन का नेचर होगा SN1, मतलब यहाँ पर एलिमिनेशन पॉसिबल नहीं है क्योंकि टेम्परेचर कैसा है, लो, और लो टेम्परेचर पे क्या होता है, SN1 होता है। तो बताइए इसमें क्या होगा, इस रिएक्शन में हम लोग क्या सोचेंगे, SN1, और SN1 में क्या होगा पहले, या E1 में क्या होता है, तो दोनों में तो सेम होता है कि पहले Cl निकालो, मतलब जो लिविंग ग्रुप है उसको निकालो। तो लिविंग ग्रुप निकालने पे क्या बनेगा, कार्बोकैटायन CH3 CCH3, यहाँ क्या हो जाएगा CH2 CH3, और इस पे चार्ज आएगा पॉजिटिव और इस पे आ जाएगा Cl नेगेटिव। अब इस पे अटैक होगा किसका, इस पे अटैक होगा आपके पास क्या है, PHOH। दूसरे स्टेप में किसका अटैक होगा, न्यूक्लियोफाइल का। यहाँ पर बेस की तरह बिहेव नहीं करेगा, क्यों, क्योंकि टेम्परेचर कम है, और लो टेम्परेचर पे यहाँ पर बेस पे डिपेंड नहीं करेगा। आई होप आपको याद होगा मैंने बताया था कि न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो है, न्यूक्लियोफाइल जो है बिहेव करता है, वो बिहेव करता है काइनेटिक्स पे, जबकि बेस जो है वो थर्मोडायनेमिक्स पे बेस्ड करता है। तो बेस जो है वो कब काम करेगा, टेम्परेचर पे बेसिस पे, इसलिए बेस तब काम करेगा यहाँ पर जब टेम्परेचर क्या होगा, हाई। टेम्परेचर कैसा है, लो, तो ये क्या है, न्यूक्लियोफाइल, और न्यूक्लियोफाइल का काम क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डोनेट करना। तो ये क्या करेगा, इस पॉजिटिव को इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा। तो बताइए इस कार्बन से कौन जुड़ जाएगा, OPH, क्योंकि डोनेट कौन कर रहा है, ऑक्सीजन। और जैसे ही इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो ऑक्सीजन पे चार्ज क्या आएगा, पॉजिटिव, जिसकी वजह से ये क्या करेगा, इस एच को लात मार के निकाल देगा। आई होप आपको याद होगा मैंने बताया था ना कि अगर आपके पास ROH है तो इसको कैसे लिखेंगे हम लोग, रिएक्शन कराने के बाद क्या जुड़ेगा, तो जुड़ेगा कौन, OR, और H+ क्या हो जाएगा, बाहर, मतलब यहाँ से जुड़ता है, याद है ना आपको, मैंने बताया था ना PHOH है तो कौन जुड़ेगा, OPH। अगर आपके पास क्या है, H2O है, तो कौन जुड़ेगा, HOH, और इधर से कौन निकल जाएगा, H+। आई होप आपको याद होगी ये बात। तो बताइए डायरेक्ट क्या याद होना चाहिए आपको, देखकर ऐसे डायरेक्ट कैसे बनाना है होना चाहिए कि अच्छा 10 डिग्री SN1, क्योंकि ये कैसा है, वीक। SN1 भी किस पे होता है, वीक पे डिपेंड करता है ना, तो ये क्या है, वीक है।
अब वीक होने की वजह से SN1 हुआ तो क्या होगा, Cl निकलेगा, Cl निकाल दिया तो इस पे क्या होगा, C पे CH3 C2H5, इधर क्या हो जाएगा OPH। आई होप आपको ये समझ में आया होगा जिसने पुराने लेक्चर्स देखे होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप खुद से ट्राई करें, देन मैं आपको बताऊंगा कि इसका आंसर क्या होगा। पाउज करें और ट्राई करें, चलिए डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें तो आपको क्या देखा, H2O। H2O कैसा होता है, तो वीक बेस बोले, न्यूक्लियोफाइल बोले, डिपेंड करेगा टेम्परेचर पे। टेम्परेचर कैसा है, अब जैसे ही आपको दिखे वीक तो आपको दिमाग में दो चीज़ आनी चाहिए, अच्छा SN1 या E1। अब दूसरी चीज़ क्या देखेंगे हम लोग, दूसरी चीज़ देखते हैं हम लोग टेम्परेचर। टेम्परेचर कैसा है, हाई, और हाई टेम्परेचर पे क्या होता है, तो SN1 नहीं होगा तो क्या होगा, E1। मतलब इसमें हम लोग क्या कराएंगे, एलिमिनेशन। मतलब ये जो रिएक्शन है ये कैसा है, E1 है। आई होप आप लोगों ने सबने इसमें E1 लिखा होगा। अब E1 कराने के लिए सबसे पहले क्या होगा, तो सबसे पहले आप क्या बनाएंगे, कार्बोकेटाइन। तो चलिए कार्बोकेटाइन बनाते हैं। यहाँ तो Cl निकल गया, तो Cl निकल गया तो इस पर क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज। यहाँ से Cl निकला तो इस पर चार्ज कैसा आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब क्या होगा, अब आपके पास यहाँ से भी हाइड्रोजन निकाल सकते हैं, यहाँ से भी हाइड्रोजन निकाल सकते हैं, और यहाँ से भी हाइड्रोजन निकाल सकते हैं। तो आपके पास कितने प्लेसेस हैं, तीन। लेकिन ये प्लेस और ये प्लेस इस हाइड्रोजन निकालने वाले कार्बन के दोनों तो सेम है, आइडेंटिकल है। तो हम लोग यहाँ से निकालें या यहाँ से निकालें, बात बराबर होगी। जबकि यहाँ से निकालेंगे तो डिफरेंट होगी। तो यहाँ से कितने हम लोग बनाएंगे, दो। तो वापस से करते हैं कि यहाँ पर क्या था, यहाँ पर बना था कार्बोकेटाइन, तो ये बन गया आपका कार्बोकेटाइन। अब यहाँ से कितने प्रोडक्ट बन जाएंगे, यहाँ से बन जाएंगे आपके दो प्रोडक्ट। और दो प्रोडक्ट में एक क्या होगा, अगर मैं यहाँ से निकाल रहा हूँ H+, तो डबल बॉन्ड वहीं बनेगा उस पॉजिटिव चार्ज उस H+ के बीच में, मतलब यहाँ पर। और अगर मैं यहाँ से H निकाल रहा हूँ तो क्या होगा, डबल बॉन्ड कहाँ आएगा, यहाँ पे। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो बताइए इन दोनों में से मेजर कौन, माइनर कौन, कौन सर्जिव, कौन हॉफमैन। तो बताइए अल्फा एच इस वाले में कितना हो जाएंगे, अल्फा एच अगर देखेंगे तो यहाँ कितना है, तीन, यहाँ कितना है, दो, और यहाँ कितना है, दो। तो तीन दो पाँच और दो सात, मतलब इसमें अल्फा एच कितने हैं, सात। जबकि इसमें अल्फा एच कितने हैं, गिनिए भाई, यहाँ हो गए दो और यहाँ हो गए दो, टोटल कितने हो गए, चार। तो बताइए ये क्या बनेगा, मेजर, मतलब ये क्या है, सर्जिव, और ये क्या है, माइनर, मतलब ये क्या है, हॉफमैन। आई होप आपको समझ में आया होगा। वापस से डिस्कस करें तो यहाँ क्या था, वीक बेस, हाई टेम्परेचर, रिएक्शन का नेचर E1, E1 होगा तो एलिमिनेशन, पहले क्या होगा, कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन, कार्बोकेटाइन बन गया, अब क्या होगा, H निकलेगा, प्लस H, H प्लस निकलेगा यहाँ से, तो H प्लस यहाँ से भी निकाल सकते हैं और यहाँ से भी निकाल सकते हैं। तो कितने प्रोडक्ट बने, दो प्रोडक्ट बने। फिर हम लोगों ने उसके स्टेबिलिटी के बेसिस पर डिसाइड कर लिया कि कौन ज़्यादा बनेगा और कौन कम बनेगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से आप क्या करें, पॉज करें और खुद से बनाने की कोशिश करें। चलिए अब मैं बताता हूँ, ये H2O है फिर से, क्या है भाई, वीक बेस, टेम्परेचर 200 डिग्री, हाई टेम्परेचर, रिएक्शन का नेचर E1, यहाँ तक सबका सही होगा मुझे लगता है। अब क्या होगा कि भाई सबसे पहले क्या होगा, Cl निकलेगा, जब Cl निकलेगा तो क्या होगा, अभी बताइए, ये Cl तो निकल गया तो इस पे चार्ज कैसा आया, पॉजिटिव। अब ये जो चार्ज पॉजिटिव आया तो क्या निकलेगा, H, बताइए यहाँ से H निकाल सकते हैं इस कार्बन से, क्या यहाँ से निकाल सकते हैं, क्या क्या इसके पास हाइड्रोजन बचा, pH का मतलब पता है ना आपको, यहाँ कौन है, यहाँ है बेंजीन रिंग। तो बताइए इसके पास हाइड्रोजन है क्या, बिल्कुल नहीं। मतलब आपके पास सिर्फ एक ही पॉसिबिलिटी बनती है कि यहाँ से हम लोग प्लस H निकाल सकें, H प्लस को निकाल सकते हैं। तो मतलब डबल बॉन्ड का सिर्फ एक ही क्रिटेरिया फुलफिल हो सकता है कि डबल बॉन्ड इन दोनों कार्बन के बीच बनेगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, pH सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH3। आई होप आपको समझ में आया होगा। और ये हाईली स्टेबल भी होगा क्योंकि ये इस रिंग के साथ, बेंजीन रिंग के साथ किस में जाएगा, कॉन्जुगेशन में। आई होप आप लोगों का यही आंसर आया होगा, नहीं आया है तो फिर से एक बार ट्राई करें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं किस तरीके का है। ये थोड़ा मैंने बनाया है इसलिए क्योंकि इसमें आपको समझाने में आसानी हो जाएगी। यहाँ पर क्या है, H2O, H2O कैसा है, वीक बेस, टेम्परेचर 200 डिग्री सेल्सियस, तो ये कैसा है, E1 है, चूँकि टेम्परेचर कैसा है, हाई। अब क्या होगा,
वापस से सेम चीज़ कि यहाँ से क्या होगा, सीएल निकलेगा, लिविंग ग्रुप निकाल दिया तो क्या बना, कार्बोकेटायन। अब कार्बोकेटायन का रीअरेंजमेंट पॉसिबल है या नहीं है, तो रीअरेंजमेंट पॉसिबल है तो पहले क्या करवाएंगे, रीअरेंजमेंट करवाएंगे। यहाँ से हम लोग प्रोडक्ट नहीं बनाएंगे तो रीअरेंजमेंट करवाएंगे, तो कौन सा रीअरेंजमेंट होगा यहाँ पर, हाइड्राइड शिफ्टिंग, बताइए होगा ना। तो हाइड्राइड शिफ्टिंग होगा तो क्या हो जाएगा, अभी अल्फा एच कितना था इस वाले में आप देखेंगे तो यहाँ पर कितना था इस वाले पे, यहाँ पर आपके पास कितने हैं, एक यहाँ पे है, दो यहाँ पे भी है, दो, तो कितने हो गए अल्फा एच, पाँच। जबकि जब हम लोगों ने शिफ्टिंग कराया, शिफ्टिंग पता है आप लोगों को कैसे होती है, ये वापस से नहीं बता रहा है क्योंकि इस पे बहुत सारे क्वेश्चंस किए हैं हम लोगों ने, प्रैक्टिस बहुत सारा कर रखा है। तो बताइए अल्फा एच यहाँ पर कितना है, तो यहाँ तीन, तीन छः और एक सात, तो अल्फा एच कितना है, सात। तो स्टेबिलिटी बढ़ गई, मतलब हम लोग क्या करेंगे, शिफ्टिंग कराएंगे। इस वजह से यहाँ पर कौन सी शिफ्टिंग करा दी, हाइड्राइड शिफ्टिंग। अब क्या होगा कि यहाँ से एच निकालो एच प्लस, या यहाँ से एच प्लस निकालेंगे या यहाँ से एच प्लस निकालेंगे, क्यों, क्योंकि ये कौन सा रिएक्शन है, एलिमिनेशन का इवन। हम लोग जानते हैं ना इवन में क्या करते हैं, एच प्लस निकालते हैं, कहाँ से भाई, तो प्लस के बगल वाले से, क्योंकि उस पर नेगेटिव चार्ज आएगा जब एच प्लस निकालेंगे, और फिर क्या बन जाएगा, पाई बॉन्ड बन जाएगा। या फिर यहाँ से देख सकते हैं ये क्या हो जाएगा, अल्फा, ये क्या होगा, बीटा। अगर आप यहाँ से निकालते तो क्या होता, गड़बड़ हो जाता। क्यों गड़बड़ होता, क्योंकि आपको यहाँ पर क्या हो रहा है, रीअरेंजमेंट हो रहा है, जबकि ई टू में ऐसा नहीं होगा। तो ई टू में आप डायरेक्ट प्रोडक्ट बना सकते हैं, जो मैं बताऊंगा आपको बाद में कि डायरेक्ट कैसे प्रोडक्ट बनाते हैं। लेकिन अगर इवन हो रहा है तो उसमें आप डायरेक्ट प्रोडक्ट बिल्कुल ना बनाएं, पहले कार्बोकेटाइन बनाएं, फिर क्या करें, एच प्लस को रिमूव करके देखें प्रोडक्ट। तो अगर आप लोग देखेंगे यहाँ पर, तो यहाँ से एच प्लस निकलेगा इस वाले से या इस वाले से, तो सेम जैसा मॉलिक्यूल आएगा, तो इस वजह से दोनों में से कोई एक से निकाल रहा है, तो देखिए ये वाला बन गया। आई होप समझ गए होंगे आप। जबकि अगर मैं यहाँ से एच प्लस निकालूँ तो क्या होगा, इन दोनों के बीच पाई बॉन्ड आएगा, तो देखिए यहाँ पाई बॉन्ड आ गया। अब बताइए दोनों में से ज़्यादा कौन बनेगा, तो अल्फा एच पर डिपेंड करेगा ना। तो अल्फा एच से आप पता कर सकते हैं ना कि ये मेजर क्यों हो गया और ये माइनर क्यों हो गया। ये तो ये आपका काम है, आप अल्फा एच काउंट करें और पता करें कि कौन मेजर होगा और कौन माइनर होगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पाउस करें आप, 5 नंबर और 6 नंबर, और फटाफट बनाकर बताएं कि दोनों में आंसर क्या आएगा। चलिए अब डिस्कस करते हैं। अगर हम लोग देखें इस क्वेश्चन में तो क्या है, वाटर वीक बेस, 100 डिग्री सेल्सियस, रिएक्शन का नेचर कैसा होगा, ईवन, बिल्कुल सही। अब क्या होगा, यहाँ से बी आर हटेगा, जब बी आर हटेगा तो इस कार्बन पे कैसा चार्ज आएगा, प्लस, बताइए ऐसा कुछ हो जाएगा ना, इस पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव। अब एच कहाँ से निकाल सकते हैं, तो एच हम लोग यहीं से निकाल सकते हैं, यहाँ से तो निकालेंगे नहीं, क्योंकि क्या बन जाएगा, अगर यहाँ से आप निकालते हैं तो आपको ये दिखेगा इस तरीके से, ये आ जाएगा कॉन्जिक्यूटिव डबल बॉन्ड्स, हाईली अनस्टेबल हो जाएंगे। तो क्या ये पॉसिबल है, बिल्कुल भी नहीं। मतलब आपके पास सिर्फ एक ही पॉसिबिलिटी बची कि हम लोग क्या करें, यहाँ से अल्फा एच निकाल लें तो इन दोनों के बीच क्या आ जाएगा, इन दोनों के बीच क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड। और इन दोनों के बीच जब डबल बॉन्ड आएगा तो क्या बन जाएगा, यहाँ से ये बन जाएगा, और ये स्टेबल भी होगा बहुत, क्योंकि यहाँ क्या दिख रहा है आपको, यहाँ दिख रहा है आपको रेजोनेंस, यहाँ दिख रहा है आपको कॉन्जुगेशन। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन बड़ा सिंपल सा है। सबसे पहले क्या निकलेगा, H2O है, 100 डिग्री सेल्सियस है, वीक बेस, हाई टेम्परेचर क्या हो जाएगा, ईवन। वीक बेस हाई टेम्परेचर क्या हो गया, ईवन। अब क्या होगा, सीएल निकलेगा, तो जब सीएल निकलेगा तो क्या बन जाएगा कि सी पे क्या है, ऊपर CD3, इधर क्या है CH3, और नीचे भी क्या है CT3, और इस पे क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज। अब सोचने वाली ये बात ये है कि ये तीनों हाइड्रोजन के आइसोटोप्स हैं, H, D और T, तो बताइए इन तीनों में से जल्दी कौन निकलेगा, कौन निकलेगा जल्दी, तो जल्दी वो निकलेगा जिसका बॉन्ड वीक होगा। तो बॉन्ड लेंथ किसका ज़्यादा वीक होगा, तो बॉन्ड लेंथ ज़्यादा किसका होता है, कार्बन और हाइड्रोजन के बीच का। तो आसानी से निकलेगा कौन, कार्बन और हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड, मतलब यहाँ से हाइड्रोजन निकलेगा, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम निकलेगा नहीं, क्योंकि इसका बॉन्ड लेंथ कम होता है हाइड्रोजन कंपेरिजन में, तो इसको निकालना आसान नहीं है। तो बताइए डबल बॉन्ड कहाँ आएगा, कार्बन डबल बॉन्ड CH2 बन जाएगा, और इधर क्या रहेगा CD3, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा, और इधर क्या हो जाएगा CT3। आई होप आपको ये समझ में आया होगा, आइसोटोपी इफेक्ट मैंने
जब मैं पढ़ा रहा था इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट, तो वहाँ पे बता रखा है, आप वहाँ से चेक कर लें कि भाई CH3 में कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड जल्दी टूटेगा, कार्बन ट्रिटियम का टूटेगा, या कार्बन और ड्यूटेरियम का टूटेगा। तो आंसर क्या हो गया ये, आई होप आपका ये आंसर आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें तो आप पाउज करें, इसको भी खुद से बनाएं, या फिर मैं बता देता हूँ एक क्वेश्चन इस पे बेस मैंने रखा है जो आप खुद से बनाएंगे और नेक्स्ट क्लास में, या फिर मुझे मैसेज करके बता दें कि सर मैंने बना लिया है, मैं चेक कर लूँगा। चलिए हम लोग इस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले क्या होगा, पहला क्वेश्चन पे अगर हम लोग आएँ तो क्या दिख रहा है आपको, यहाँ पर H2O मैंने वापस लिखा अलग अलग करके सेपरेट, ताकि समझाने में आसानी हो जाए। यहाँ क्या है, वीक बेस, और यहाँ क्या है, 25 डिग्री सेल्सियस। 25 डिग्री सेल्सियस है मतलब लो टेम्परेचर है, 25 या 25 से कम होगा तो क्या होगा, SN1। मतलब हम लोग इसमें क्या कराएंगे, सब्सटीट्यूशन। और सब्सटीट्यूशन में क्या होता है भाई, तो Br हटता है और उसके बदले H2O आता है, लेकिन हम लोग डायरेक्ट नहीं करेंगे। मैंने क्या बताया हमेशा, मैकेनिज्म। तो मैकेनिज्म क्या बोलता है कि SN1 तो होगा इसमें तो कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन होगा, तो Br हटेगा तो क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज। देखिए पॉजिटिव आ गया। अब क्या देखेंगे हम लोग कि भाई इसमें रिंग के जस्ट बगल वाले कार्बन पे क्या है, पॉजिटिव चार्ज। रिंग कितना मेंबर है, 4। तो 4 से 5 रिंग बन सकता है, क्योंकि रिंग के जस्ट बगल वाले पे अगर पॉजिटिव चार्ज है तो रिंग का क्या पॉसिबिलिटी है, एक्सपेंशन होने की। अगर रिंग की स्टेबिलिटी बढ़ रही हो, तो रिंग की स्टेबिलिटी बढ़ रही है ना, 4 से क्या बन जाएगा 5, तो स्टेबिलिटी बढ़ गई। तो हम लोगों ने यहाँ पर क्या करवाया है, रिंग का एक्सपेंशन करवाया है। रिंग का क्या हो गया, एक्सपेंशन। ये सब पढ़ा रखा है मैंने पहले, तो आप पीछे से देखकर समझ जाएं कॉपी से कि रिंग का एक्सपेंशन कैसे कराते हैं। तो जब रिंग का एक्सपेंशन हुआ तो कुछ ये बनेगा, और ये कैसे बना ये आपको पता है, पता रखा है मैंने पहले। अब जैसे ही रिंग का एक्सपेंशन हुआ, अभी भी यहाँ पर अल्फा एच अगर हम लोग गिनेंगे तो कितने हैं, यहाँ पर 2 और यहाँ पर 1, 3। तो क्या होगा, स्टेबिलिटी बढ़ेगी अगर हम लोग क्या करा दें, हम लोग करा दें अल्काइल शिफ्ट। हम लोग क्या करा दें, अल्काइल शिफ्ट। तो बताइए यहाँ कौन सा शिफ्टिंग हो जाएगा, अल्काइल शिफ्ट। तो क्या होगा, ये प्लस जो है यहाँ आएगा और एक मिथाइल उठ के यहाँ आ जाएगा, तो क्या बन गया, ये मॉलिक्यूल बन गया। तो यहाँ से यहाँ जो हम लोग चेंज किए हैं, यहाँ क्या हो रहा है, अल्काइल शिफ्टिंग। अब हम लोगों को क्या मिल गया है, अब हम लोगों को मिल चुका है कार्बोकेटायन। अब इस कार्बोकेटायन पे अटैक किसका होगा, HOH का। ये लोन पेयर क्या करेगा, इस पॉजिटिव चार्ज पे अटैक करेगा और यहाँ से H प्लस क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। तो इस पर कौन जुड़ जाएगा, OH। तो इस पर कौन जुड़ गया, OH। अब बताइए ये H प्लस क्यों नहीं निकाल रहा है, क्योंकि यहाँ पर टेम्परेचर कैसा है, लो। अगर यही हाई टेम्परेचर होता तो क्या होता, ये H प्लस निकाल लेता इस वाले कार्बन से, सॉरी ये H प्लस निकाल लेता इस वाले से या फिर इस वाले से, जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन में है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए सेप सब कुछ वही है, बस चेंज किया क्या मैंने, यहाँ क्या ROH, इस पर भी लोन पेयर है, ये कैसा है, वीक बेस। टेम्परेचर कैसा है, 100 डिग्री सेल्सियस, मतलब हाई टेम्परेचर, और हाई टेम्परेचर पे क्या होता है, एलिमिनेशन, मतलब इसमें क्या होता है, इवन हो जाएगा। हाई टेम्परेचर पे क्या हो गया, इवन। वीक बेस, हाई टेम्परेचर क्या होगा, इवन। वीक न्यूक्लियोफाइल या वीक बेस, लो टेम्परेचर क्या होगा, SN1। दिमाग में आप समझ में आ गया होगा, अब दिमाग में रखना आपको, जैसे ही वीक है, न्यूक्लियोफाइल हो चाहे बेस हो, टेम्परेचर हाई इवन, टेम्परेचर लो SN1। अब इसमें क्या होगा, सब कुछ तो सेम है, सबसे पहले क्या निकलता है, कार्बोकेटायन। तो कार्बोकेटायन तो सीखा हम लोगों ने बनाना, तो ये तो सेम स्टेप आएगा। फिर क्या होगा, रिंग का एक्सपेंशन, सेम स्टेप आएगा। फिर क्या होगा, अल्काइल शिफ्टिंग, सेम स्टेप आएगा। तो देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक दोनों में स्टेप क्या है, सेम है। तो मैंने बताया था ना, दोनों में बहुत सिमिलरिटी है, क्योंकि पहला स्टेप तो सेम होता है। तो देखिए आपको पहला स्टेप क्या हो रहा है, सेम। फर्क कहाँ पड़ेगा, तो फर्क पड़ेगा सेकेंड स्टेप में। और सेकेंड स्टेप में क्या होता है, जब अगर SN1 होता तो न्यूक्लियोफाइल अटैक करता, और अगर E1 हो रहा है तो कौन अटैक करेगा, बेस की तरह। और बेस का काम क्या होता है, H प्लस निकालना। तो H प्लस निकालेंगे, तो बताइए इसका H प्लस कहाँ से निकलेगा, तो प्लस के बगल वाले से। ये यहाँ से निकाल सकते हैं हम लोग, यहाँ से निकाल सकते हैं हम लोग, और यहाँ से निकाल सकते हैं। और तीनों के तीनों पोजीशन इस बार अलग अलग हैं, मतलब यहाँ से कितने प्रोडक्ट मिलेंगे, 3 प्रोडक्ट मिलेंगे। कि अगर आपने कहाँ से निकाला, यहाँ से निकाला, तो इन दोनों के बीच डबल बॉन्ड आ सकता है। अगर यहाँ से निकाला तो इन दोनों के बीच डबल बॉन्ड आ सकता है, और अगर यहाँ से निकाला H प्लस तो इन दोनों के बीच डबल बॉन्ड आ सकता है। मतलब प्रोडक्ट कितने बनेंगे, 3। तो आपको यहाँ से 3 प्रोडक्ट बनते दिख रहे होंगे, तो यहाँ से आपको पता लग जाएगा कि कौन सबसे ज़्यादा बनेगा। तो ये सबसे ज़्यादा बनेगा, क्योंकि इसका अल्फा H क्या होगा, सबसे ज़्यादा होगा, मैक्सिमम होगा।
आई होप आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा। एक छोटा सा क्वेश्चन है इस पे मैं दे रहा हूँ, इस क्वेश्चन को आप ज़रूर ट्राई करें, आंसर करें, और ये एग्जैक्ट सेम है लास्ट वाले क्वेश्चन जैसा। फ़र्क थोड़ा सा कहाँ है उसके रिंग पे, पहले वाले क्वेश्चन में मैंने 4 का रिंग दिया था और अभी 5 का रिंग पे बेस्ड क्वेश्चन है। आप डिसाइड करें ये कौन से में SN1 होगा और कौन से में E1 होगा। आई होप आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा। तो आप पढ़ते रहें, घर पर रहें, सेफ रहें, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू।